हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपग्रेड का ऑफर आया है? नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको अपग्रेड का ऑफर आए? और अगर आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपग्रेड का ऑफर आया है तो आप उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं और उस अपग्रेड ऑफर का आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक्सिस बैंक के माइजोन क्रेडिट कार्ड पे मेरे एक फैमिली मेंबर को 6.5 लाख रुपए की लिमिट अप्रूव हुई है। तो आपको भी एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना है। अभी ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अप्रूव हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लिमिट अभी अप्रूव हो रही है। तो अगर आप एक्सिस बैंक माइजोन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिए। एक एक्सिस बैंक का कार्ड आपको मिल गया तो उसके बाद बिना कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के आप और दो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मुझे आज एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे अपग्रेड का ऑफर आया है, वही मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा कार्ड मुझे बिना किसी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अपग्रेड ऑफर के तहत दिया जा रहा है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी इस तरह की काम की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे मैं आपको हर तरह के लूट की अपडेट्स रेगुलर देते रहता हूँ। अगर आप ये स्पेक्स खरीदना चाहते हैं तो आप आईवीआर लैब से ये स्पेक्स खरीद सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स है, मैंने 1500 रुपये में लिया था। इनकी वेबसाइट पर कई बार ऑफर भी चलते रहते हैं, जहाँ पर आपको 999 में भी इस तरह के बहुत सारे स्पेक्स मिल सकते हैं। वैसे आपको मेरा ये स्पेक्ट्स कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो अपग्रेड ऑफर आया है क्रेडिट कार्ड पे, उसे चेक करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड पे जाना है। यहाँ देखिए, मैं अपने क्रेडिट कार्ड सेक्शन में आ गया। मेरे ऑलरेडी 3 एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड है। पहला एक्सिस बैंक का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो अभी मैंने हाल ही में लिया था, दूसरा एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड और तीसरा दोस्तों मेरा एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। 3 क्रेडिट कार्ड मेरे पास ऑलरेडी है और एक कस्टमर 3 क्रेडिट कार्ड ही रख सकता है, लेकिन मुझे अपग्रेड का ऑफर आया है। ये अपग्रेड का ऑफर आया है मुझे एक्सिस बैंक के माइजोन क्रेडिट कार्ड पे। मैं अपने माइजोन क्रेडिट कार्ड पे देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, जस्ट फॉर यू, यू आर नाउ एलिजिबल टू अपग्रेड योर कार्ड प्लस मैनी मोर ऑफर्स। अगर आपके कार्ड पे अपग्रेड का ऑप्शन होगा तो इस तरह का बैनर आप जब उस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको अपने कार्ड को अपग्रेड करना है तो आपको अवेल नाउ पे क्लिक करना है। मैं अवेल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, मुझे यहाँ पे जिस कार्ड का अपग्रेड ऑफर दिया जा रहा है वो है एक्सिस ऑरा क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 749, एनुअल फीस भी है 749, इसके ऊपर आपको 18% का GST भी लगेगा। लेकिन मैं ये कार्ड नहीं लूँगा क्योंकि दोस्तों ऑरा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बढ़िया कार्ड नहीं है। इस कार्ड में आपको ज़्यादातर डॉक्टर कंसल्टेंसी, फिटनेस वगैरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं हैं। मेरा एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जिससे मैं साल के 1000 रुपये बड़े आराम से सेविंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस कार्ड को ज़्यादातर स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो, डोमिनोज पर यूज़ करता हूँ, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है। तो ऑरा क्रेडिट कार्ड तो मैं किसी भी हाल में नहीं लूँगा और इस कार्ड की फ़ीस भी 750 प्लस GST है, बहुत ज़्यादा है। इस कार्ड में आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट के तौर पे 750 रुपये का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, कभी कभी आपको डिकैथलॉन का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है। लेकिन मुझे केवल एनुअल फीस बचाने के लिए ऑरा कार्ड नहीं चाहिए, मेरा एक्सिस बैंक का माइजोन कार्ड बेस्ट है। अगर आपको अपग्रेड करना है इनकेस तो आपका यहाँ पे एड्रेस सेलेक्टेड रहेगा, आपको जस्ट नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ बता रहा है आपका जो क्रेडिट कार्ड है जो अपग्रेड किया जा रहा है वो भी एक्टिव रहेगा और आपको ये कार्ड भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी आपका पिछला कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा। मेरे पास ऑलरेडी 3 कार्ड है तो उस केस में मेरा एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा, तब मुझे ये ऑरा क्रेडिट कार्ड मिलेगा और मुझे ऐसा करना नहीं है। अगर आपको करना है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप का एम पिन एंटर करना है।
और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, यानी कि आपका कार्ड अपग्रेड हो जाएगा और आपको ये एक्स्ट्रा कार्ड मिल जाएगा जो 5 से 7 दिनों में आपके होम एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे अपग्रेड ऑफर अगर मिला है तो इस तरह से अवेल कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक्सिस बैंक का कोई कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास अभी तक एक्सिस बैंक का कोई कार्ड नहीं है तो आप एक्सिस बैंक का माइजून कार्ड अप्लाई कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।